नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे। इसमें बहुत सारी सब्जियां होंगी, ओट्स होंगे और सूजी के साथ इसे हम बनाएंगे। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये, तो आइए बनाते हैं इसे। देखिए, इसके लिए एक पैन में हमें सबसे पहले थोड़ा सा तेल लेना है, या आप घी भी ले सकते हैं। इसमें हम गर्म होने पर राई और जीरे का तड़का लगाएंगे। इन्हें थोड़ा सा हम कुक करेंगे। उसके बाद देखिए, हम एक छोटा कटा हुआ प्याज लेंगे, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे, हमें गैस रखनी है यहाँ पर, और इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, ब्राउन नहीं करना। थोड़ी सी मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली 1 चम्मच, इसे भी हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसमें आप थोड़ी सब्जियाँ ऐड करेंगे हम। ये मैंने आधी कटोरी कद्दूकस की हुई गाजर ली है, ये आधी कटोरी मैंने बहुत बारीक कटी हुई बीन्स ली है। इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। थोड़ा सा आधा कटा हुआ मैंने टमाटर लिया है यहाँ। अब हम मसाले डालेंगे। तो देखिए, थोड़ा कुटी हुई काली मिर्च लेनी है, लाल मिर्च है ये भी कुटी हुई है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे इसमें। इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब थोड़ी सी हम यहाँ देखिए शिमला मिर्च डालेंगे, इसे हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो इन्हें हम अच्छे से मिला करके, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस यहीं गैस बंद कर देंगे और पैन को हम खाली कर लेंगे। देखिए, उसी पैन में मैंने 1 कटोरी सूजी डाली है, और नाप से ही आप 2 कटोरी इसमें पानी डालिए। ये सूजी पहले से थोड़ी रोस्ट करी हुई थी, आप थोड़ा सूजी को रोस्ट कर सकते हैं, कच्ची में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर भी फ्लेम हमें देखिए मीडियम ही रखनी है, और इसे हम मिलाएंगे। अब देखिए, मैंने 4 से 5 चम्मच ये मसाला ओट्स लिए हैं, तो आप ये क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं ओट्स की भी इसमें। और इन्हें हम थोड़ा मिलाएंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगा, 4 से 5 मिनट में ही थिक होने लग जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें हम। और अब देखिए, गाढ़ा होने लग गया है, तो जो सब्जियां हमने थोड़ी देर पहले कुक करी थी वो इसमें हम मिला देंगे, और गैस को यहाँ हम थोड़ा लो कर देंगे ताकि सूजी और इसे हम अच्छे से मिला लें, जल्दी से थिक ना हो ये। और 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे मिलाते हुए अच्छे से मिल भी जाएगा और एक डो का शेप ले लेगा ये। तो अब यहाँ इसे हम गैस को बंद कर देंगे, और ये हमारा एक तरह से डो या ब्रेकफास्ट का काम रेडी हो गया है आधा। अब इसे हम देखिए इस तरह से एक ट्रे में ग्रीस लगा के, या कोई भी प्लेट ले लीजिए आप, उसमें हम इसे सेट कर देंगे ताकि हम इजीली किसी भी शेप में काट सकें। तो देखिए, इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। अब इसे हम 1 से 2 घंटा फ्रिज में रखेंगे, आप थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट करने दे सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से सेट हो गई है थोड़ी देर में फ्रिज में, सिर्फ आधे घंटे में ही। और मैंने इसे कट करके इस तरह देख लिया है, तो इजीली कटिंग हो रही है इसकी। आप चाहें जिस भी शेप में इसे काट सकते हैं, मैंने थोड़ा ब्लॉक वाली शेप दी है इसे। तो देखिए, इस तरह से हम इन्हें निकालेंगे, बहुत इजीली ये ब्लॉक निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, इसमें सब कुछ कुक है, पर थोड़ा सा इन्हें हम क्रिस्प करेंगे। तो देखिए, इस तरह सारे ब्लॉक बना लिए, आइए इन्हें फिर से कुक करते हैं। तो एक पैन में आप देखिए थोड़ा सा तेल लीजिए, या घी भी ले सकते हैं, और इन्हें हम थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। तो थोड़ा ये क्रिस्प हो जाएंगे और खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। तो आप दोनों साइड से सिर्फ 2-2 मिनट के लिए इन्हें कुक कर सकते हैं, इतने में ही ये ब्राउन हो जाएंगे थोड़े थोड़े। तो मीडियम फ्लेम रखें यहाँ आप, मीडियम से लो की तरफ। तो आइए हम चेक करते हैं, देखिए इस तरह से ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। तो बस इतना ही कुक करना है, आप ज़्यादा कुक करना चाहें तो इन्हें ज़्यादा क्रिस्प कर सकते हैं। तो देखिए, कितना हेल्दी और इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया बहुत सारी सब्जियों और सूजी के साथ। तो आइए अभी इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो ये क्रिस्पी सा बहुत ही हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी है, स्नैक भी है ये, कोई गेस्ट आया तो आप पहले रेडी कर सकते हैं इन्हें। तो इस तरह से आप इजीली इन्हें बनाइए।